अयोध्या में चुनाव के दौरान दबंगों ने एक परिवार को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार के 3 सदस्य बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अभी भी पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। खुलेआम गांव में घूमकर इस बार जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हैरत की बात ये है कि 307, 308 जैसी गंभीर धारा होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मामला अयोध्या के थाना पुरा कलंदर के मोइया कपूरपुर गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में चुनाव के दौरान दबंगों ने पूरे परिवार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जबकि चुनाव से पहले ही पीड़ित ने आरोपियों द्वारा चुनाव प्रभावित करने की शिकायत आला अधिकारियों से की थी, जिस पर स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मनबर दबंगों ने चुनाव के दौरान घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की नहीं की। दिक्कत यह है सर कि अशोक सिंह जितेंद्र के उनके कालू के दोनों भतीजों के नाम जो है मुकदमा दर्ज है, वो खुलेआम गांव में टहल रहे हैं, धमकाते हैं कि हमारा क्या कर लेंगे, अब की बार बोलेंगे तो जान से मार देंगे, यही धमकी दे रहे हैं। किस चीज़ का मुकदमा दर्ज है और क्या दिक्कत, क्या घटना हुई थी? मुकदमा दर्ज है साहब, ये जो है दारू और पैसा बांट रहे थे, हम लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हो, तो हमको ये लोगों ने मारा, मेरे भाइयों को मारा, दोनों मेरे भतीजे को मारा, वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं साहब, और कहते हैं कि अब की बार कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे। पीड़ित के माने तो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।